हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए टमाटर और दही से बनी बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगी और टेस्ट में बिल्कुल अलग है। ये देखिए, गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में डाल दिया है मैंने तेल। तेल के गर्म हो जाने के बाद मैंने इसमें डाला है हींग, जीरा। जीरा अच्छे से चटक जाए उसके बाद आपको डालनी है इसमें अदरक। तो अदरक मैंने ऑलरेडी ग्रेट करके रखी थी, तो अदरक डालने के बाद हमें बस थोड़ा सा चलाना है, थोड़ा सा भुनना है इसको। उसके बाद इसमें डालना है हरी मिर्ची डालनी है, तो एक हरी मिर्च डाली है मैंने। वैसे मैं दो तीन हरी मिर्ची डालती, लेकिन ये हरी मिर्ची ना बहुत ज़्यादा तीखी वाली है। जो बरसात के मौसम में मिर्ची आ रही है ना, बहुत ज़्यादा तीखी आ रही है, तो एक ही डाली है। और ये भाई एक छोटा सा टमाटर डाल दिया है, क्योंकि टमाटर आजकल बहुत महंगे हैं, तो एक ही टमाटर इनफ है बस। तो ये टमाटर डालने के बाद में बस हमें थोड़ा सा इसे चलाना है, और उसके बाद हमें इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं घर के। तो देखिए, चला दिया है अच्छे से। अब इसके बाद हमें इसमें बस सिंपल से मसाले डालने हैं, जैसे हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर डालना है, और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, जिससे ये जो टमाटर है ना जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे और मसाला जो हमारा जल्दी भुन जाएगा। तो जो मेन चीज़ है इसमें, जो टमाटर के मसाले को हमें बहुत ही अच्छे से भूनना है, फ्लेम को लो टू मीडियम करते हुए। जितना अच्छा मसाला भुनेगा सब्जी हमारी उतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो ये थोड़ा सा मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, इसे आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा कलर आ जाएगा। तो ये देखिए, लगभग हमारा मसाला भून कर तैयार हो रहा है। तो बस इस तरीके से हमें चलाते हुए इस मसाले को अच्छे से भूनना है, और फ्लेम को आपको लो टू मीडियम ही रखना है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ। तो देखिए, मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इस टाइम पर हमने ये दही डालना है, तो दही आप जो लें वो एकदम फ्रेश लें, और दही डालते हुए आपको तो चलाते जाना है, कंटिन्यू छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं हो कि आपको दो दिन का या एक दिन का पुराना आप दही डालें, वो दही आपको नहीं डालना है, एकदम फ्रेश डालना है। इसे हम दही के आलू नहीं बना रहे हैं, बस हल्का सा खट्टापन चाहिए। तो जब दही और टमाटर की जो इसमें प्योरी है, इसमें हमें उबाल आ जाए, उसके बाद हमें इसमें डालना है ये आलू। तो ये दो से तीन आलू थे, वो हमने बॉयल करके रखे थे, और इसको मैंने फोड़ लिया है, और बस इसको अच्छे से मिक्स कर देना है इस तरीके से। मसाले में आलूओं को जब अच्छे से हम मिक्स कर दें, उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो पानी आप अपने जैसे जितनी आपको तरी रखनी है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। अगर आपको राइस के साथ खाना है तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दीजिए, और अगर पूड़ी पराठे के साथ एंजॉय करना चाहते हैं तो थोड़ा कम डालिए, क्योंकि उसके साथ में थोड़ी गाढ़ी अच्छी लगती है। ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची, नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, क्योंकि नमक हमने पहले भी थोड़ा सा डाला है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए, अब इसमें उबाल आ चुका है, थोड़ी सी डाल दिए मैंने ये कसूरी मेथी, इसको आप ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालिएगा। और ये देखिए, फिर से अच्छे से इसमें उबाल आ गया है, और ये करीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसे बॉईल कर लिया है, और उसके ऊपर से मैं ये डालूँगी गरम मसाला। जब सब्ज़ी बिल्कुल आपकी बनने को तैयार हो जाए, तब आपको लास्ट में गरम मसाले को डालना है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सब्जी में से। ये सब्जी देखने में आपको बिल्कुल सिंपल है, लेकिन बहुत ही अच्छा टेस्ट है। और ऊपर से डाल देंगे इसमें हरा धनिया। ये नॉर्मल आलू टमाटर की सब्जी नहीं है फ्रेंड्स, एक बार आप ज़रूर ट्राई करना, इसका टेस्ट बिल्कुल अलग है। तो ये देखिए, सब्जी को बस अच्छे से चला लिया है, अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। भाई मुझ पर तो रुका नहीं जा रहा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो प्लेटिंग कर लेते हैं इसकी। एक बार मेरे कहने पर इस सब्जी को ज़रूर बनाना फ्रेंड्स। जो भी इस सब्जी को खाएगा वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि भाई ये सब्जी कैसे बनाई, इसका टेस्ट है ही इतना यूनिक, और पूड़ी पराठे के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगेगी। भाई मुझ पर तो कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं इसे पूड़ी के साथ एंजॉय करने जा रही हूँ। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है मेरी फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।